कहानी की शुरुआत में जेम्स नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक शिप पर अपने लैब में सुपर बग बना रहा है, क्योंकि फ्यूचर में प्रोटीन की डिमांड बढ़ने वाली है। इसीलिए वो सुपर बग की मदद से हाई क्वालिटी वाली सिंथेटिक प्रोटीन प्रोवाइड कराना चाहता है। वो सुपर बग बनाने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उनका प्रोडक्शन करते समय सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो ट्यूब तोड़कर बाहर चली जाती है। जेम्स उस सुपर बग को देखने के लिए उसे अपने हाथ पर रखता है, तभी सुपर बग जेम्स के ऊपर अटैक करके उसे मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि उस सुपर बग का साइज काफी बड़ा हो गया है और वो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बग को प्रोड्यूस करने लगती है। इसके बाद वो बहुत सारे बग शिप से बाहर निकलकर समुद्र में चले जाते हैं। इसके बाद हम जितोंग और जिलीन को देखते हैं जो एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफर का काम करते हैं, और इन दोनों का पिछले साल ही ब्रेकअप भी हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां पर इनकी मुलाकात प्रोड्यूसर केविन के एक असिस्टेंट वोंग से होती है। दरअसल यहां के बीच पर एक पार्टी होने वाली है, इसीलिए दोनों अपनी मैगजीन के लिए फोटो शूट करने यहां आए हैं। फिर हम मांजी नाम की एक लड़की को देखते हैं। जब वो किचन में बर्तन साफ कर रही थी तभी वहाँ के ड्रेनेज पाइप से बग बाहर आने लगते हैं। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है और अपने ग्रैंडफादर को बुलाती है जो वहाँ पर स्प्रे मारकर सभी को भगा देता है, लेकिन उसमें से एक बग को उसके ग्रैंडफादर पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो साइंस के एक प्रोफेसर हैं और उसे चेक करना चाहते थे। जब वो उसे अपने लैब में चेक कर रहे होते हैं तब बग उनकी उंगली में काट कर वहाँ से भाग जाता है और फिर से उसी ड्रेनेज पाइप के अंदर वापस चला जाता है। इसके बाद मांजी उनको लेकर बीच पर जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो उस बीच पर होने वाली पार्टी में गेस्ट है, यानी कि मेहमान है। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में बहुत बड़ी हलचल नजर आ रही है जो कि उन बग की वजह से हो रही थी। दूसरी तरफ जितोंग जिलीन को प्रपोज करना चाहता था, इसके लिए उसने एक डायमंड रिंग भी खरीदी है, लेकिन कुछ समय बाद ही बीच पर पार्टी शुरू हो जाती है जिसमें इनका प्रोड्यूसर केविन भी आया हुआ था। इसीलिए जितोंग डायमंड रिंग को अपने रूम में रख देता है और दोनों भी पार्टी में चले आते हैं। वहाँ पर जितोंग और जिलीन अपनी मैगजीन के लिए लड़कियों की फोटो लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल में जब कोई नहीं होता तब दो चोर वहाँ पर सबका सामान चोरी करने लगते हैं और उनका बॉस मशीन रूम में जाकर वाईफाई को डाउन करने लगता है। कुछ देर में मांजी भी अपनी ग्रैंडफादर के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। वहीं अब छोटे छोटे बग स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल के अंदर एक चोर जितोंग के रूम में चला जाता है और वहां से उसका डायमंड रिंग चुरा लेता है। दूसरी तरफ उनका बॉस वाईफाई को डाउन कर देता है और वहां से आने लगता है। तभी वहां पर बहुत सारे बग आ जाते हैं और उस पर अटैक करके उसे मार डालते हैं। जब जितोंग केविन का इंटरव्यू लेने पहुंचता है तो मांजी जितोंग को पहचान जाती है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। अब दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जिलीन भी वहां आ जाती है और जितोंग को दूसरी लड़की के साथ देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद जितोंग भी उसे मनाने के उसके पीछे चला जाता है। वहीं एक औरत होटल के एलिवेटर को साफ कर रही होती है, उसी समय वहां भी बहुत सारे बग आ जाते हैं और उस औरत को वहां से लेकर चले जाते हैं, लेकिन ऑपरेटर मैगजीन देखने में बिजी होता है इसीलिए वो इस इंसिडेंट को नहीं देख पाता। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और ऑपरेटर को मशीन रूम में वाईफाई को ठीक करने भेजता है, क्योंकि चोरों के बॉस ने उसे डाउन कर दिया था। वहीं एक चोर जब अपना फेस यानी कि चेहरा साफ कर रहा होता है तभी वहां भी बहुत सारे बग आ जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसे देखकर उस चोर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो बग उसकी बॉडी को अंदर से ही खा जाते हैं। इससे उस चोर की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जितोंग जिलीन के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। वो उसे समझाता है कि मांजी बहुत समय पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन इस समय यानी कि अब उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। वो उसे प्रपोज करने के लिए अपनी डायमंड रिंग लेने जाता है, लेकिन उसकी डायमंड रिंग कहीं पर भी नहीं मिलती, जिससे जितोंग बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ऑपरेटर मशीन रूम में जाने के लिए जैसे ही एलिवेटर में जाता है वहाँ पर बहुत सारे बग आ जाते हैं और उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर उस ऑपरेटर की केवल हड्डियाँ ही बचती हैं। इसके बाद दूसरा चोर भी उसी एलिवेटर में चला जाता है, तभी वहाँ ऊपर से एक वॉकी टॉकी नीचे गिरता है। फिर जब वो चेक करने ऊपर जाता है तो वहाँ उसे कुछ बग दिखाई देते हैं। उसे कुछ भी समझ में आता, उसके ऊपर ऑपरेटर की डेड बॉडी लटक जाती है, जिससे वो चोर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। इसके बाद बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बग का पूरा झुंड आने लगता है, जिससे समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर बन जाती है और सुनामी का रूप ले लेती है। इसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं और बग उन पर अटैक कर देते हैं। अब बग का झुंड होटल के अंदर भी आने लगता है, जिससे सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और एक एलिवेटर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी जितोंग की मुलाकात प्रोफेसर से होती है जो अपनी ग्रैंड डॉटर मांजी को खोज रहे होते हैं।
तभी इन सबके सामने ही बग एक आदमी को मार देते हैं, जिसे देखकर सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सभी लोग डर जाते हैं। वही सिक्योरिटी गार्ड उस चोर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो चोर कहता है कि आज पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उनकी नजर सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है, जिसमें लोग इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। इसे देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड देखने के लिए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद वो चोर किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एलिवेटर में बहुत सारे बग आने लगते हैं। इसके बाद वो लोग आग से उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सभी बग अचानक ही वहाँ से चले जाते हैं। इससे जितोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि वो बग चींटियों के जैसे हैं, जो अपनी रानी के लिए खाना लेकर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पहुँच गए तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। दूसरी तरफ केविन मांझी वोंग और कुछ लड़कियों को लेकर समुद्र में एंजॉय करने गया होता है। तभी उनको वहाँ पर एक पुरानी शिप आती हुई दिखाई देती है, लेकिन इनको उस पर मौजूद खतरे के बारे में नहीं पता था। केविन को लगता है कि उस शिप पर वियर मिल जाएगी, इसीलिए वो वोंग को उस शिप पर भेजता है, जहाँ हम देखते हैं कि सुपर बग अब बहुत ताकतवर हो चुकी है और लेफ्ट से बाहर भी आ गई है। वोंग जब वहाँ पहुँचता है तो पूरे शिप पर कोई भी नजर नहीं आता, इससे वोंग को बहुत अजीब फील होने लगता है। इधर होटल में बहुत सारे बग वापस आने लगते हैं, जिसे देख वो चोर वहाँ पर कुछ गैस सिलेंडर ओपन कर देता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन अब ऊपर से भी बहुत सारे बग आने लगते हैं। इससे चोर समझ जाता है कि वो नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो लाइटर जलाकर नीचे फेंक देता है, जिससे वहाँ पर फैली गैस में आग लग जाती है और उन बग के साथ साथ वो खुद भी उस आग में जलकर मारा जाता है। इसके बाद बाहर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर बग ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है और उनकी बॉडी को खा रहे हैं, इससे वहाँ का नजारा बहुत ही भयानक हो गया है। इसके बाद जितोंग और सभी लोग एलिवेटर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जितोंग को चोर के पास से उसकी डायमंड रिंग मिल जाती है। दूसरी तरफ वोंग काफी समय बाद ही वापस नहीं आता, इसीलिए अब केविन पता लगाने के लिए उस शिप पर जाता है। इधर वोंग को बेसमेंट वाले एरिया से स्मेल आने लगती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए वहाँ नीचे चला जाता है। अब केविन, उसका दूसरा असिस्टेंट और मांझी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वोंग को बेसमेंट में कुछ बियर की बोतल मिल जाती है और वो उसे लेकर बाहर निकलने लगता है। तभी सुपर बग वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ कर नीचे खींच लेती, जबकि केविन वोंग को खोजते खोजते शिप के बेसमेंट में पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं कि बग का झुंड अपनी रानी के लिए खाना लेकर वापस आ जाता है और बेसमेंट में बनी लैब की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देख केविन की हालत खराब हो जाती है और वो खुद को बचाने के लिए ऊपर लटक जाता है, लेकिन अब वहाँ पर सुपर बग भी आ जाती है। इसे देख केविन बहुत डर जाता है और वहाँ से बाहर जाने के लिए भागने लगता है, लेकिन सुपर बग उसका पैर पकड़ लेती है और उसे अपने अंदर खींचने लगती है। इसके बाद केविन हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी मांझी को अंदर से कुछ हलचल महसूस होती है, इसीलिए वो केविन को खोजने अंदर जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सुपर बग केविन को जख्मी करके अपने साथ लेकर चली जाती है। अब केविन को खोजते खोजते मांझी भी बेसमेंट में चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि सुपर बग ने केविन को खा लिया है। इसके बाद सुपर बग उसका पीछा करने लगती है, लेकिन मांझी वहां से भाग जाती है और खुद को एक केविन के अंदर बंद कर लेती है। इसके बाद सुपर बग वहां की कांच तोड़कर मांझी को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। इधर मांझी को खोजने जितोंग, जिलीन और प्रोफेसर भी शिप पर आ जाते हैं, जहाँ पर डेड बॉडी देखकर जिलीन बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ये सब मांझी को खोजने बेसमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर सुपर बग मांझी को पकड़ने के लिए केविन का दरवाजा तोड़ रहा होता है, लेकिन तभी जितोंग और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जिनको देख सुपर बग अब उनके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद जितोंग और जिलीन भी एक केविन के अंदर छुप जाते हैं, जबकि इनके साथ आया केविन का असिस्टेंट वहाँ से बाहर चला जाता है और सुपर बग पर अटैक करने के लिए औजार खोजने लगता है। इसी बीच सुपर बग जितोंग और जिलीन पर अटैक करना शुरू कर देती है। इसके दौरान केविन का दरवाजा खुल जाता है और सुपर बग जिलीन का पैर पकड़ लेती है। तब उसे बचाने के लिए जितोंग एक नुकीली वेपन लेकर उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद सुपर बग जिलीन का पैर छोड़ देती है और जितोंग दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन अब सुपर बग भी वहाँ से चली जाती है। तभी प्रोफेसर भी अपनी ग्रैंड डॉटर मांझी को खोजते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। वो मांझी को खोज लेते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ही सुपर बग वहाँ पहुँच जाती है। तब प्रोफेसर एक कुल्हाड़ी लेकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिस दौरान सुपर बग भी प्रोफेसर को नीचे गिरा देती है और उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देख मांझी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजा तोड़ने लगती है। अब सुपर बग प्रोफेसर को मारने ही वाली होती है, तभी केविन का असिस्टेंट यहाँ आ जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। अब जिलीन भी एक चैनसो लेकर वहाँ आ जाती है। ये देख जितोंग उसके हाथ से चैनसो लेने की कोशिश करता है, इसके दौरान वहाँ की एक वायर कट जाती है। इसके बाद ये लोग वहाँ से बाहर निकल
लेने के लिए भागते हैं, लेकिन सुपर बग फिर भी उनके पीछे आने लगती है। ये तीनों उसे चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसके दौरान सुपर बग इनके साथ वाले लड़के को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। ये देख दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब सुपर बग उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, तभी वहाँ पर कटा हुआ वायर यानी कि तार उसकी बॉडी से टच होने लगता है, जिसकी वजह से उसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये देख जीतोंग को उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का आइडिया आता है, लेकिन इसके लिए उनको वायर की जरूरत पड़ती। अब मां जी भी उनकी हेल्प करने वहां आ जाती है और अपने साथ वायर लेकर आती है, लेकिन वो वायर सुपर बग के नजदीक तक नहीं जा पाती। फिर जीतोंग किसी तरह वहां से एक वायर निकालता है और मां जी उसे वहां के प्लग से कनेक्ट कर देती है। अब जीतोंग सुपर बग को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर देता है, जिससे सुपर बग जख्मी होकर वहां से पीछे चली जाती है, लेकिन इनके पास की वायर छोटी होती है, इसीलिए अब वायर प्लग से अलग हो जाती है। इसका फायदा उठाकर सुपर बग जीतोंग पर अटैक कर देती है। ये देख दिली इन चैंसों से सुपर बग पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी बॉडी के दो हिस्से हो जाते हैं। और ये देख सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि आखिरकार इतना बड़ा खतरा अब टल चुका था। इसके बाद सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं और जीतोंग जिलिन को शादी के लिए प्रपोज करता है। इसे जिलिन बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेती है और जीतोंग उसे डायमंड रिंग पहनाने लगता है। तभी वहाँ पर सुपर बग आ जाती है और इन पर अटैक कर देती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।